हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
तो लास्ट लेक्चर हमने एटॉमिक सॉरी स्पेक्ट्रम की बात की थी। तो स्पेक्ट्रम जो है क्या था, हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास लाइट प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, लाइट किससे पास होती है, प्रिज्म से पास होती है, तो वो क्या हो जाती है, अलग अलग एंगल पर डिविएट हो जाती है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, है ना। ये डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिविएशन था, तो ये डेल्टा किस पे डिपेंड करता था, एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी होती थी उतने ज्यादा एंगल से डिविएट, याद है। अब ऑब्वियसली एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एंगल, ये हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ कम उसका एंगल ज्यादा, ठीक है। तो ये हमने बताया था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर ये आ रहा है ना। अब देखो क्या है, स्पेक्ट्रम जो है ये हमें जो मिलेगा ये क्या है, स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रम दो टाइप का रहता है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक होता है कंटिन्यूस, दूसरा होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने 300 से 400 एंगस्ट्रॉम के सारे वेवलेंथ जो है डाले प्रिज्म, ओके, 300 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम के सारे वेवलेंथ अगर हमने प्रिज्म पर डाले, तो अभी ऑब्वियसली हम यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे, ओके, एक पूरा रेंज में डाल रहे हैं ना, 300 से 400 एंगस्ट्रॉम के सारे वेवलेंथ हैं, तो हमें यहाँ पर एंगल का भी क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, ओके, एंगल का भी क्या मिलेगा, मतलब 300 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग भी एंगल आएगा, 301 के करस्पॉन्डिंग भी आएगा, 302 के करस्पॉन्डिंग भी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो हर एंगल पे हमें क्या मिलेगा, लाइट, ये मतलब जो मिलेगा वेव मिलेगा। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सॉरी फोटोग्राफिक प्लेट जो है उस पर हर जगह पर हमें क्या दिखाई देगा, कुछ ना कुछ लाइन दिखाई देगा, है ना। तो हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम आ जाएगा, ओके। तो ये जो होगा ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि सारे एंगल आ रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हर जगह पर ये लाइट गिरेगी आफ्टर पासिंग प्रिज्म ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। लेकिन अगर हमारे पास मान लो हमने ऐसा लिया कि एक 300 एंगस्ट्रॉम का ले लिया, एक 310 का ले लिया, एक 325 एंगस्ट्रॉम का ले लिया, एक 350 एंगस्ट्रॉम का ले लिया, ऐसे अगर हमने लिया तो फिर ऑब्वियसली फिर क्या है, फिर हमारे पास सारी वेवलेंथ नहीं आ रही ना, बीच बीच की वेवलेंथ गायब है, ठीक है। तो 300 के करस्पॉन्डिंग आ गया एंगल, 310 के करस्पॉन्डिंग आ गया, फिर गैप आएगा 25 के करस्पॉन्डिंग आ गया, ओके। तो हमें फिर मतलब ऐसा ऐसे अलग अलग जगह ले गई, तो अभी हमारे पास क्या है, ये पूरा वो नहीं आएगा, बीच बीच में क्या आएगा, गैप आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो बेसिकली जो लाइट हम डाल रहे हैं उस लाइट में अगर सारे वेवलेंथ है, जैसे 300 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पूरा रेंज है अगर हमारे पास उस लाइट में, पूरा क्या है, रेंज है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा। जैसे रेनबो है ना, रेनबो में क्या है, रेनबो में क्या होता है, पूरा विजिबल लाइट होता है ना, मतलब रेनबो में 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम का सारा वेवलेंथ, ओके। तो रेनबो में ये सारे हमारे पास क्या वेवलेंथ होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर गैप नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर बीच बीच की कुछ वैल्यूज अगर गायब होती उसमें से, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, 300 से 400 एंगस्ट्रॉम का पूरा रेंज नहीं, यहाँ पर क्या 300 एंगस्ट्रॉम का एक है, फिर 310 का हो गया, फिर 325 का हो गया, फिर 350 का हो गया, ओके। सो अगर रेंज ना आके बीच बीच की कुछ वैल्यूज हमारे पास, तो हमें जो मिलेगा वो डिस्कंटिन्यूअस मिलेगा, ओके। तो एक साइड हम लिखेंगे कंटिन्यूअस और दूसरी साइड डिस्कंटिन्यूअस, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो एग्जांपल है वो है व्हाइट लाइट, मतलब विजिबल लाइट ही हम जिसकी बात कर, ठीक है। तो देखो क्या है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पास करती है, सॉरी प्रिज्म पर डालते हैं हम,
वाइट लाइट को जब प्रिज्म पर डालेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या मिलेगा, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, इसमें कोई भी गैप नहीं होगा। ओके, सो व्हाइट लाइट में क्या है, सारे की सारी वेवलेंथ होती है 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इन द केस ऑफ व्हाइट लाइट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जो इसके केस में क्या आता है, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेवलेंथ आता है। ओके, इसमें कहीं पे भी क्या है, गैप नहीं रहता, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का अगर हम एग्जांपल लें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूस है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस। यस अनिक, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस है। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे आता है, तुम्हें पता है, हमने लास्ट टाइम क्या बताया था कि यार इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट से जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, एंड जो फोटोन एमिट होगा अप्रोप्रिएट एनर्जी का होगा ही नहीं होगा। तो हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में एटम है कोई, और वो ग्राउंड स्टेट में गया, ठीक है। ऐसे एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे एटम्स, सभी एटम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फोटोन एमिट कर रहे हैं। इस टाइप से हमारे पास फोटोन एमिट हुए, ठीक है, फोटोन एमिट हुए। अब ये फोटोन्स जो हैं इनका क्या एनर्जी क्या होगा, अप्रोप्रिएट एनर्जी होगा ना, ऑब्वियसली फोटोन्स का एनर्जी क्या होगा, इट इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट, होगा ही नहीं होगा। तो ये तो हमें रेंज थोड़ी मिलेगा, ये फोटोन्स का जो एनर्जी मिलेगा कोई रेंज में नहीं आएगा ना, वो बीच बीच का कुछ वैल्यू रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, इट इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल। तो ये फोटोन का जो एनर्जी है, ये जो फोटोन एमिट होंगे इनका एनर्जी किसके इक्वल होगा, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल। ओके, मतलब यहां पर रेंज नहीं आएगा। तो ये फोटोन्स जो आए इनको सभी को अगर हम किस पर डालें, प्रिज्म पर डालें, एंड देन फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें, तो हमें जो दिखाई देगा वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, बिकॉज हम यहां पर रेंज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, बीच बीच का कुछ वैल्यू आ रहा है। ओके, तो ये जो होगा ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो बनाओ ये, फिर आगे चलते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, जब हमारे पास रेंज में होगा लाइट तो उससे जो मिलेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, लेकिन अगर लाइट रेंज में ना होके कुछ कुछ बीच के वेवलेंथ गायब होंगे या फ्रीक्वेंसी गायब होगी तो हमें जो मिलेगा वो डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रेंज से आता है और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बीच बीच की कुछ वैल्यूज अगर हमारे पास है और कुछ वैल्यूज गायब है तो उससे डिस्कंटिन्यूस।
देख लिया सबने? लिया ना? Now, discontinuous में आगे लिखेंगे, ठीक है? So discontinuous में आगे हम लिखेंगे in the case of atomic spectrum, discrete values of wavelength are observed. ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब बीच बीच की कुछ वैल्यूज आएंगी या वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, रेंज नहीं. और जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेंज आता है. ओके, और इसके अलावा हमारे पास इन लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट, लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारे पास लाइन आती है, बीच में ऐसे गैप है, ठीक है, ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम. लोअर एटॉमिक नंबर एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम रहेगा. एंड इन हायर एटॉमिक नंबर एटम्स लोअर एटॉमिक नंबर एटम्स एलिमेंट, ठीक है, लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट लाइन स्पेक्ट्रम एंड इन हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट बैंड स्पेक्ट्रम. बैंड स्पेक्ट्रम में क्या रहता है, ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं, फिर गैप होता है, फिर ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं, फिर गैप होता है, ठीक है, तो इस टाइप से चलता है. ग्रुप ऑफ लाइंस होती है, देन गैप होता है, ठीक है. तो लोअर एटॉमिक नंबर के लिए हमारे पास क्या आएंगे, लाइंस होंगी एंड देन गैप रहेगा, है ना, लाइन गैप लाइन गैप, मतलब बीच में से गैप रहेगा. और यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ लाइंस आ जाएंगी, फिर गैप आ जाएगा, फिर से ग्रुप ऑफ लाइंस, फिर गैप आ गया, फिर से ग्रुप ऑफ लाइंस, फिर गैप आ गया. ओके, तो ये होगा बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व. एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ऑब्वियसली रेंज नहीं होता है, क्या होता है, वैल्यूज होती हैं. तो बीच बीच की कुछ वैल्यूज यहाँ पर क्या है, गायब होंगी. जैसे मान लो हमने एग्जांपल ले लिया यार, इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है. अब वो ऐसे आ रहा है, मान लो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट और सेकेंड से फर्स्ट, ठीक है. ये चलो हम ऐसा ले लेते हैं कि
हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में था, चलो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था और दो फोटोन, दो मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, एक थ्री से टू और टू से वन आ रहा था और एक थ्री से डायरेक्ट वन आ रहा था। तो थ्री से टू, टू से वन आया तो उसने कौन कौन से फोटोन एमिट किए, ऑब्वियसली दो फोटोन एमिट किए ना, पहले थ्री से टू आया फिर टू से वन। तो थ्री से जब टू आया तो थर्ड और सेकेंड का एनर्जी डिफरेंस वाला एमिट किया, टू से वन आया तो टू से और वन का कितना होगा एनर्जी, 10.2 होगा, ठीक है, और थ्री से वन का कितना है, 12.09। तो ये थ्री से टू का जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना होता है, 1.89, ठीक है। सो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, तो टोटल तीन फोटोन निकल गए, ठीक है। तो टोटल तीन फोटोन निकल गए, लेकिन तीनों फोटोन का एनर्जी क्या अलग अलग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अलग रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अलग रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अलग रहेगा, है ना। तीन फोटोन जब निकले हैं तो हमारे पास क्या रेंज में थोड़ी आई इनकी एनर्जी, ओके। ये तीनों फोटोन हमने प्रिज्म पर डाले, तो जब तक प्रिज्म पर नहीं डालेंगे तब तक तो ऑब्वियसली वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, है ना। प्रिज्म पर डालने के बाद ही तो अलग अलग एंगल पर जाएगा वो, प्रिज्म पर डालने के बाद जिसकी ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा एंगल से डिवेट होगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास इधर आया 12.09 वाला, फिर 10.2 वाला आ गया, फिर 1.89 वाला आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यार बीच में जो 10.2 और 12.09 के बीच वाले जो फोटोन्स हैं वो तो आए ही नहीं, तो वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह भी खाली रहेगी, जहाँ पर वो गिरने वाले थे वो जगह भी खाली है। ऐसे 10.2 और 1.89 जो है उसके बीच के फोटोन्स है ही नहीं हमारे पास, तो जिस एंगल पर वो आने वाले थे वो जगह, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग वाली जगह क्या रहेगी, खाली रहेगी, तो ये जगह खाली है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, डिस्कंटिन्यूअस मिलता है, हम बोल सकते हैं बीच में क्या आता है, गैप आता है, क्लियर है क्या, ओके। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें रेंज नहीं आता है, क्या आती है, वैल्यूज आती है, और फिर उसकी वजह से बीच की वैल्यूज गायब रहती है, तो बीच की वैल्यूज गायब रहेंगी तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जगह भी खाली रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करते कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो कंटिन्यूस वाला पूरा ऐसे भरा, क्योंकि इसमें सारी सारी रेंज आ रही थी, ओके। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या आ रही थी, सारी रेंज आ रही, ओके। तो यहां पर क्या है, फोटोन जो है उनका एनर्जी का वैल्यू रहेगा और बीच की कुछ एनर्जी जो है वो हमारे पास है नहीं, जैसे यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल से कि 1.89 और 10.2 जो है दो फोटोन ये मिले, एक 12.09, ये तीन फोटोन, ठीक है। तो तीन फोटोन्स का जो एनर्जी है हम देख सकते हैं, एक का 1.89, एक का 10.2, एक का 12.09। तो जब हम प्रिज्म पर डालेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है ज्यादा एंगल से डिवेट होता है, तो सबसे ज्यादा एंगल से कौन डिवेट होगा, 12.09, तो ये इधर चला गया। फिर से कम एंगल से डिवेट होगा 10.2, तो वो इधर चला गया। फिर से कम एंगल से डिवेट होगा 1.89, तो वो इधर चला गया। अब लेकिन अगर देखो, मान लो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो कहाँ आता, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इधर आता, ठीक है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो इधर आता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो वो है नहीं, तो उसकी वजह से बीच वाली जगह जो है वो क्या है, अपने पास खाली पड़ी हुई है, ओके। तो बीच वाली जगह खाली है, तो उस पर जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, डिसकंटिन्यूअस दिखाई देगा, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है हम देख सकते हैं वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो गया,
चले आ गए, लिख लिया सबने। हाँ अभी जो लिखा है ये तो हमने जो अच्छा वो ड्रॉ किया था वो करने की जरूरत है, तो समझाने के लिए था, ये जो हमने अभी लिखा हुआ है इतना लिखना है। ये हो गया सबका। ठीक है आगे चलते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था एमिशन स्पेक्ट्रम का था, क्या एग्जांपल लिया था हमने कि इलेक्ट्रॉन किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में जंप करके जाएंगे तो क्या करेंगे, फोटोन एमिट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने फोटोन एमिट किया और ये फोटॉन्स को हम कहां पर लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम, ये कौन सा स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम था। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, अनिकेत जल्दी लिखो। ठीक है, तो ये जो हमने बताया था ये एमिशन स्पेक्ट्रम था, आगे हम एक्चुअली यही वाला स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। आगे हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। यस प्रियस, ऑब्वियसली यस। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है उसका एग्जाम्पल हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया है। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया तो दो टाइप का होता है, एक होता है एमिशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, दोनों डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं यहाँ पर, अभी जो बताया था एमिशन ही बताया था तो वो डिसकंटिन्यूअस था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये भी डिसकंटिन्यूअस। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास मान लो ग्राउंड स्टेट में एटम्स हैं बहुत सारे, और ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को हमने अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन दिए। ओके, ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को हमने क्या अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन दिए, मान लो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, ये मान लो चार डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन दिए। अब हमें पता है कि यार ये जो है ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स ये जस्ट अप्रोप्रिएट एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करते हैं, है कि नहीं, या ऐसे फोटोन्स को ही एब्जॉर्ब करेंगे जिनका अप्रोप्रिएट एनर्जी होगा। तो मान लो लैम्डा वन एंड लैम्डा थ्री जो है उनको इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया क्योंकि उनका एनर्जी अप्रोप्रिएट नहीं, लैम्डा टू और लैम्डा फोर वालों को एब्जॉर्ब कर लिया मान लो। ठीक है, तो लैम्डा टू एंड लैम्डा फोर आर एब्जॉर्ब। तो अब देखो क्योंकि उनका एनर्जी क्या था, लैम्डा टू एंड लैम्डा फोर वालों का अप्रोप्रिएट एनर्जी था, तो उनको एटम्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब लैम्डा वन एंड लैम्डा थ्री वाले को एब्जॉर्ब नहीं किया, जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया उसको अगर हम प्रिज्म पर लें उसको किस पर लें, प्रिज्म पर लें एंड देन फोटोग्राफिक प्लेट पर लें, तो ये जो दिखाई देगा ये कैसा होगा, एब्जॉर्प्शन। ओके, जिन फोटॉन्स को उसने एब्जॉर्ब नहीं किया था उन फोटॉन्स को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर लेंगे
ऑब्वियसली प्रिज्म से पास करने के बाद ही लेंगे, क्योंकि जब तक प्रिज्म से पास नहीं करेंगे तब तक तो अलग अलग जगह वो दिखेंगे ही नहीं है। ओके, जब तक हम प्रिज्म से पास नहीं करेंगे तब तक तो वो क्या है, डिबेट ही नहीं होंगे ना अलग अलग एंगल पर, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो एक ही जगह पर दिखाई देते अगर हम डायरेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर डाल देते तो। लेकिन हमने क्या किया, प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म से पास करने के बाद ही वो क्या होंगे, डिबेट, है ना। तो लैम्बडा वन एंड लैम्बडा थ्री जो है वो अलग अलग जगह जाके दिखेंगे हमें, तो ये भी जो होगा ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें से जो अप्रोप्रिएट एनर्जी के फोटोन से वो तो एब्जॉर्ब कर लिए, तो बीच के कुछ फोटोन गायब हो गए और कुछ फोटोन बचे रह गए। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी, बीच बीच वाली वेवलेंथ आएगी और बीच की कुछ वेवलेंथ गायब रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी गैप आएगा और गैप की वजह से ये भी क्या होगा, तो जिन फोटोन्स को एटम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है उन फोटोन्स की वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है। ओके, अच्छा जिनको एब्जॉर्ब कर लिया मतलब लैम्बडा टू और लैम्बडा फोर, उनका क्या हुआ यार, लैम्बडा टू एंड लैम्बडा फोर जो है उनको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उनसे क्या होगा, ऑब्वियसली उनको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। ओके, लैम्बडा टू एंड लैम्बडा फोर को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कहां पर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट तो स्टेबल है नहीं, तो वापस फोटोन किस में आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो फिर वापस इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एक्साइटेड स्टेट में, हमें हमारे पास क्या हुआ, लैम्बडा टू एंड लैम्बडा फोर जो है उसको इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहां पर चले गए, एक्साइटेड स्टेट, लेकिन एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट, तो जब वो वापस जंप करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटोन एमिट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई ना फिर से, हुई कि नहीं हुई, तो जिन फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया था वो वापस हमें कहां पे दिखाई देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, बट एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं है, वापस इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो फोटोन्स को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, मतलब ये वाला स्पेक्ट्रम हमें इनकी वजह से मिल जाए। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मिसिंग वेवलेंथ होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मिसिंग वेवलेंथ यहाँ पर क्या थी, लैम्बडा टू एंड लैम्बडा फोर, वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई दे। ओके, तो मिसिंग वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर ऑब्जर्व इन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मिसिंग वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर ऑब्जर्व इन एमिशन
हो गया सबका? तो ये स्पेक्ट्रम का था थोड़ा सा जो हमें पता होना चाहिए था। नाउ हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसका स्टडी किया था रिडबर्ग, और उसने हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम लिया। ओके, तो सबसे पहले रिडबर्ग ने स्टडी किया था, वो भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का स्टडी किया था। तो नेक्स्ट वही लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हो गया अनिकेत? तो रिडबर्ग एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो रिडबर्ग ने क्या किया था? देखो, रिडबर्ग एनालाइज्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन of hydrogen and determine wavelength of spectral line. Wavelength of spectral line का मतलब है, spectral line मतलब photon here. And determine wavelength of spectral line मतलब photon. An electron jumps from higher orbit to lower orbit. So जब electron higher orbit से lower orbit में jump करता है, तभी obviously हमें पता है emission spectrum दिखाई देता है। तो जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगी? लाइन दिखाई देगी फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो उस फोटोन का या उस लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं? वेव। तो उसका इसने फॉर्मूला ये बताया था, 1 बाय लैम्ब्रा इज इक्वल टू आर इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² तो ये फॉर्मूला बताया था वेवलेंथ निकालने। यहाँ पर R जो है ये होता है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। R क्या है? रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 109.678 सेंटीमीटर माइनस 1। कैलकुलेशन के लिए तुम इसे 1.1 × 10⁷ मीटर माइनस 1 दे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू से आंसर थोड़ा सा लेंथी हो, मतलब काफी लेंथी हो जाएगी कैलकुलेट। तो 1.1 × 10⁷ मीटर माइनस में मिलेगा। इसके अलावा N1 यहाँ पर जो है, N1 इज लोअर ऑर्बिट, और N2 जो रहता है ये रहता है हायर। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो फोटोन एमिट होता है, हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल लाइन आती है। तो स्पेक्ट्रल लाइन या फोटोन का वेवलेंथ
इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था, उससे भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को और इससे भी कर सकते हैं। हो गया सबका? तो देखो नो प्रेयर्स, ये नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव आएगा ना। मान लो फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप किया तो 1/3² - 1/4² नेगेटिव थोड़ी होगा, पॉजिटिव होगा ना। ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फोन है ना, तुम उसमें जाओ दिख रहा है सबको? आवाज आ रही है?
आवाज आ रही सबको ना? सो हाँ, तो अलग अलग ने अलग अलग स्टडी किया था, तो देखो एनिमन श्रीवा प्रेस ने पूछा था कि ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगी ना, क्योंकि लोअर ऑर्बिट है ये हायर ऑर्बिट है। मैंने बोला नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये वैल्यू लोअर है, ये एन वन स्क्वायर कम है, तो वन अपॉन एन वन स्क्वायर तो बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो वन अपॉन होने की वजह से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो पॉजिटिव ही आएगी। तो रिडबर्ग ने जब एटम स्पेक्ट्रम का स्टडी किया तो उसने क्या है, अकेले ने नहीं किया, उसके और भी कलेज थे जिन्होंने उसके साथ इसका स्टडी किया था, ये उसके स्टूडेंट थे कुछ। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा अलग अलग टाइप की सीरीज में बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसका एक कलीग था लाइमन, उसने ऐसे ही फोटॉन्स का स्टडी किया जो कि इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करने पर आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, सेकंड ऑर्बिट से कर सकता है, थर्ड से, फोर्थ से, किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो ऐसे फोटॉन्स का स्टडी किया था लाइमन नाम का एक था उसने। तो उसके बेसिस पर इस पूरी सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। ओके, ऐसे ही हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट भी आ सकता है और स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है। ओके, मान लो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, थर्ड ऑर्बिट से डायरेक्ट वन में भी जा सकता है, या पहले थ्री से टू जाए फिर टू से वन जाए। ओके, तो मतलब बीच वाले ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आ सकता है ऊपर से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट के लिए जो सीरीज है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके डायरेक्ट किसमें आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो इस सीरीज को नाम दिया गया बामर सीरीज। बामर सीरीज क्यों बोला गया, क्योंकि किसने स्टडी किया था इसका, बामर ने स्टडी किया था, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज। ऐसे थर्ड ऑर्बिट के लिए जो सीरीज है, थर्ड ऑर्बिट की जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं पाशियन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, पाशियन सीरीज। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट के लिए सीरीज है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ओके, इसी टाइप से फिफ्थ ऑर्बिट का जो सीरीज है, इसको बोलते हैं फंड सीरीज, PFUND, फंड पीफंड कुछ भी बोलते, ठीक है। ऐसे सिक्स ऑर्बिट के लिए जो सीरीज है, उसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये अलग अलग सीरीज आई थी, और ये सीरीज ऑब्वियसली एक सीरीज का नाम किस बेसिस पर है, जो उसके स्टूडेंट्स या कलीग थे उनके बेसिस पर ही सीरीज का नाम। अब देखो हम किसी भी सीरीज के किसी भी लाइन का वेवलेंस निकाल सकते हैं। मान लो हमें इस लाइन का वेवलेंस निकालना है, तो लोअर ऑर्बिट वन हायर ऑर्बिट टू,
हमें मान लो इस लाइन का वेलेंस निकालना है, लोअर ऑर्बिट वन हायर ऑर्बिट फाइव, ओके। तो किसी भी लाइन का हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो उस बेसिस पर जब हम देखते हैं तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, ठीक है। जब वेवलेंथ से हम रीजन चेक करते हैं तो लाइमन सीरीज किस में आती है, अल्ट्रा वायलेट में। बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आती है, बामर सीरीज किस में आती है, विजिबल रीजन में। इसके अलावा ये जो बाकी सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, किस में आते हैं, इंफ्रारेड रीजन, ओके। तो बनाओ फिर आगे चलेंगे। अनिकेत प्रीवियस स्लाइड वाईफाई जाने की वजह से डिलीट हो गया है, तो लेक्चर के बाद हम सेंड कर देंगे। ग्रुप पे कोई सेंड कर दो, किसी ने अगर इससे पहले वाला पार्ट लिख लिया हो तो ग्रुप पे सेंड कर दो, अनिकेत ने नहीं लिखा था। हो गया सबका, हो गया सबका।
अनिकेत हुआ, हुआ या नहीं हुआ बाकी का? अनिकेत चले आगे, तो देखो वेट सर, जल्दी लिखो यार, आप टाइम लेते हो। हो गया कि नहीं हुआ? अनिकेत वेट सर भी बोल रहे हो, यस सर भी बोल रहे हो, यस सर, आगे चले। तो नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास देखो सीरीज एन वन एन टू एंड थ्री। तो अगर हम लायमन सीरीज की बात करते हैं, लायमन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है? लायमन सीरीज का लोअर ऑर्बिट क्या है? वन। और हायर ऑर्बिट ऑब्वियसली वन से ग्रेटर वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रीजन कौन सा है? दिस इज अल्ट्रा वॉयलेट, हम बोल सकते हैं यूवी रे। अगर हम बात करेंगे बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज में लोअर ऑर्बिट क्या है? बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है? टू होता है ना, एन वन की वैल्यू क्या है? टू, लोअर ऑर्बिट टू होगा। और हायर ऑर्बिट जो है टू से ग्रेटर कुछ भी होता है। कौन सा रीजन है ये? देन पाशियन सीरीज, तो देखो याद कैसे रखोगे, लायमन बामर पाशियन ब्रैकेट पॉइंट एंड द नंबर एल बी पी बी पी एच, एल बी पी बी पी एच, लायमन बामर पाशियन ब्रैकेट पॉइंट हम्फ्री, एल बी पी बी पी एच, ओके। तो लायमन बाबर देन पाशियन, पाशियन के लिए लोअर ऑर्बिट थ्री, हायर ऑर्बिट थ्री से ग्रेटर वाला, कौन सा रीजन था? इंफ्रारेड। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट एल बी पी बी पी एच, ओके। लायमन बाबर पाशियन ब्रैकेट फंड, ब्रैकेट में लोअर ऑर्बिट फोर, हायर ऑर्बिट फोर से ग्रेटर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रीजन क्या होगा? इंफ्रारेड। देन ब्रैकेट के बाद फ्रंट सीरीज, फ्रंट सीरीज में लोअर ऑर्बिट फाइव, हायर ऑर्बिट फाइव से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, सिक्स सेवन इंफिनिटी, एंड रीजन इंफ्रारेड। देन लास्ट आता है हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज में लोअर ऑर्बिट सिक्स, हायर ऑर्बिट सिक्स से ग्रेटर रहेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट या यूवी रीजन। नाउ हम्फ्री सीरीज में लोअर ऑर्बिट सिक्स, हायर ऑर्बिट सिक्स से ग्रेटर वाला रीजन इसका भी क्या होता है? इंफ्रारेड। ओके, तो ये सभी सीरीज का लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट एंड रीजन। लायमन के ऊपर सीरीज लिखा है भाई, ये क्या है? दिस इज सीरीज, दिस इज एन वन, दिस इज एन टू एंड दिस इज रीजन।
सीरीज एन वन एन टू एंड रीजन हो गया सबका। ठीक है अब आगे चलते हैं। अच्छा कोई बता सकता है कि यार किसी भी सीरीज में अगर हम देखें, जैसे मान लो फर्स्ट सीरीज में ही अगर हम देखें, इस फर्स्ट सीरीज में किस लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट वाली लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा या लास्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? किस लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का या लास्ट का? चलो एनर्जी देखो, एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा, कि फर्स्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा कि ये लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? लास्ट का ज्यादा होगा सबसे, क्योंकि लास्ट का एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली व्हाट इज एनर्जी ऑफ लाइन, एनर्जी ऑफ लाइन मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट ना, एनर्जी ऑफ लाइन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट। तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट और फर्स्ट एंड इन्फिनिटी का जो एनर्जी डिफरेंस है सबसे ज्यादा है ना 13.6, एंड फर्स्ट एंड सेकंड का सबसे कम है 10.2। ओके तो हमारे पास इस वाले में अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन जो इसका एनर्जी सबसे कम और ये लास्ट वाली लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा। तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तो इसका एनर्जी सबसे कम आ रहा था तो वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा, और इस वाली लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा आ रहा था मतलब वेवलेंथ सबसे कम। ओके तो फर्स्ट लाइन ऑफ ईच सीरीज करेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एनर्जी एंड longest wavelength
while last line of each series corresponds to maximum energy and shortest wavelength. ठीक है, इसके अलावा लास्ट लाइन की वेवलेंथ जो है इसको हम सीरीज लिमिट वेवलेंथ भी बोलते हैं. तो वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ सीरीज is also called series limit wave. ठीक है, wavelength of last line of each series is also called series limit wave. हो गया सबका? चले आ गए? तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन जो है उसका वेवलेंथ निकालो. एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में चाहिए. कौन सी यूनिट में चाहिए? एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट. ठीक है, सो डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.
शौनक करेक्ट है, सहस्रा करेक्ट है, बाकी का रॉन्ग है, मेघा करेक्ट है, मानस करेक्ट है, प्रेस रॉन्ग है वो, आहान मिस्टेक किया थोड़ा, ठीक यस देवा, उसका एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, आई थिंक तुमने मीटर में निकाला है। यस राहुल करेक्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है, लोअर ऑर्बिट 2 होता है, एंड फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो हायर ऑर्बिट 3 रहेगा। ओके, सो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर, आर मतलब 1.1 इंटू 10^7 इंटू 1 अपॉन एन 1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज 1.1 इंटू 10^7 इंटू 1/4 माइनस 1/9। सो 1 बाई लैम्बडा यहाँ से आ गया हमारे पास 1.1 इंटू 10^7 इंटू 5/30। ओके, तो ये हमारे पास 1 बाई लैम्बडा आया। नाउ यहाँ से लैम्बडा क्या होगा, तो लैम्बडा होगा हमारे पास 36 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 5 इंटू 10^-7। ये मीटर में होगा, अगर तुम्हें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10^10 कर, ठीक है। इसके अलावा चाहिए क्या हो जाएगा, 5/36/5 हो जाएगा अपने पास 7.2 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 10^-7 मीटर हुआ, तो ये अपने पास आया अप्रोक्सीमेटली 6.5 इंटू 10^-7 मीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10^+10 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर क्या आ जाएगा, हम पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बट अप्रोक्सीमेटली 6500 के अराउंड आएगा। ओके, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो जिनका 6500 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आंसर है उनका करेक्ट, ऑब्वियसली आगे 6.5 समथिंग कुछ आएगा, आगे तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ये 6.5 लिख दिया था हमने बट ये 6.5 समथिंग रहेगा ना, जिसकी वजह से 6500 से ज्यादा वैल्यू रहेगी।
हो गया सबका, आगे चलें। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन सीरीज लिमिट वेवलेंथ of partial series for hydrogen structure. Determine series limit wavelength of partial series for hydrogen structure. में भी एंगस्ट्रॉम में ही निकालने मिले,
कॉफी का करेक्ट है राहुल, अहम, मिहिका, सोनक, मधुकर, सहस्रा, ठीक है, मानस करेक्ट है, बाकी का रॉन्ग है। तो देखो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज को हम बोलते हैं, मतलब वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन इस सीरीज लिमिट वेवलेंथ है ना। तो पार्शियल सीरीज है ना, तो पार्शियल सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या हुआ यार, लोअर ऑर्बिट हुआ लाइमन बामर पार्शियल है ना, लाइमन बामर पार्शियल, तो लोअर ऑर्बिट क्या हुआ 3। हायर ऑर्बिट क्या होगा, तो मैंने बोला लास्ट लाइन ऑफ सीरीज जो होती है उसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट वेवलेंथ। तो लास्ट लाइन कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो हायर ऑर्बिट हो गया इन्फिनिटी। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1.1 × 10⁷ इंटू 1/N1² मीन्स 3² माइनस 1/N2² मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर। सो 1/∞² को क्या ले लेंगे, पूरे को 0 ले लेंगे, 1/∞² इज 0। ओके, तो क्या है ये, तो दिस इज 1.1 × 10⁷ डिवाइड बाय 9। ये हम बोल सकते हैं लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 1.1 × 10⁻¹ मीटर, दैट इज 90/11 × 10⁻¹ मीटर। तो कितना है ये, ठीक है 8.18 × 10⁻¹ मीटर। एंगस्ट्रॉम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻¹ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8180 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, ओके तो इस टाइप से होगा ना, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है वो होगा फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 37, देन अच्छा 43 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर। 43 क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है उसका मतलब ऑर्बिट नंबर ही होता है। ओके, तो 37, 43, 44, 45, 48, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा, तो लेक्चर एंड करते हैं। बाय।